एज अ फाउंडर मेंबर बीजेपी के नाते से मैं ये सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ। उंगली उठा दी कि एलजी साहब जो है हमारे कुलदीप जी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं बीजेपी में आने के लिए, तो मेरा सवाल आप लोगों से डायरेक्टली सिर्फ कि अगस्त महीना की बात है 2023 की, ये सोशल मीडिया में काफी चर्चित भी थी। आपके ही खुद बीजेपी के लोग दिल्ली गए थे कुलदीप जी के लिए रिकमेंड करने के लिए बीजेपी की तरफ से, ये आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऊपर में बोला है, तो उस वक्त जो लोग गए थे कुलदीप जी के लिए, आपने इनके ऊपर क्या एक्शन लिया? आपने क्या इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट की? क्या आपने रेजिग्नेशन दी? साल की अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ड्यूरेशन हो गई तो आपने कब क्या किया? जब ये 3 साल क्रॉस कर दिए थे आपने कब तो आवाज नहीं उठाई? अभी जब लोकसभा इलेक्शन नजदीक है आप आवाज उठा रहे हैं। जब यही बीजेपी के लोग कुछ लोग दिल्ली गए थे कुलदीप जी के लिए रिकमेंड करने के लिए, तब ये बीजेपी के नेता लोग जो आप वो कहां थे उस वक्त? विष्णुपद राय जी को कितना प्राइज मिला पार्लियामेंट में, और आज का दिन में बीजेपी का सरकार में हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस का कुलदीप राय शर्मा जी को कितना मिला? नमस्कार, अनुसप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। आज हम बात करेंगे बीजेपी में हुई बड़ी बैठक को लेकर। जैसा हमने प्रीवियस आपको न्यूज़ दिखाया था कल, और उस न्यूज़ के बाद काफ़ी लोगों ने हमसे संपर्क किया, और उस न्यूज़ को लेकर अब हम बात करेंगे बीजेपी के फाउंडर मेंबर राकेश फलाल जी से। आप सभी इनसे वंचित है, और हम आपको ये भी बता दें कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है ये। अब बीजेपी में जो उथल पुथल जो चल रहे उस बैठक के बाद, और काफ़ी लोग जो है इस विषय में जो है बात कर रहे हैं, तो आखिर ये कहाँ तक सच है और क्या बात है, आइए हम राकेश वाला जी से जानते हैं। नमस्कार रोहित जी, मैं आपका आज ही वो न्यूज़ देखा जिसमें बैठक हुई बीजेपी की तरफ से कुलदीप राय शर्मा जी और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को लेकर। मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा, मैं एज अ फाउंडर मेंबर बीजेपी के नाते से मैं ये सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरीक़े से उंगली उठा दी कि एलजी साहब जो है हमारे कुलदीप जी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं बीजेपी में आने के लिए, यदि ऐसा होता है तो हम सब रेजिग्नेशन दे देंगे। तो मेरा सवाल आप लोगों से डायरेक्टली सिर्फ ये न्यूज़ ही को लेकर है जो आपका आई थी उसी विषय को लेकर है कि अगस्त महीना की बात है 2023 की, ये सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित भी थी। आपके ही खुद बीजेपी के लोग दिल्ली गए थे कुलदीप जी के लिए रिकमेंड करने के लिए बीजेपी की तरफ से, ये आप सब बहुत अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि कौन कौन लोग गए थे, और ये विषय बहुत ही चर्चित में हुई सोशल मीडिया में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आपने अभी हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऊपर में बोला है, तो उस वक्त जो लोग गए थे कुलदीप जी के लिए, आपने इनके ऊपर क्या एक्शन लिया? आपने क्या इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट की? क्या आपने रेजिग्नेशन दी? किस लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, जरा हमें खुलकर बताइए, जानना चाहती है। क्योंकि सर आप हमेशा से ही बेक ऑफ बात करने के लिए, बेक ऑफ हर सवाल का जवाब देने के लिए आप जाने जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्लियर बताइए। देखिए, मैं क्लियर ही बता रहा हूँ। देखिए, अभी जो ये रेजिग्नेशन की बात हुई कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे एलजी साहब को नियर अबाउट 8 साल 7-8 साल हो गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर हमारा अंजमन निकोबा आइलैंड में, और जहाँ तक कि 3 ही साल का ड्यूरेशन रहता है, ये आपका चैनल का माध्यम से पता चला है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी वाला लोग से कि ये 7-8 साल की अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ड्यूरेशन हो गई तो आपने कब क्या किया? जब ये 3 साल क्रॉस कर दिए थे आपने कब तो आवाज़ नहीं उठाई?
अभी जब लोकसभा इलेक्शन नज़दीक है, आप आवाज़ उठा रहे हैं और ये मेन इशू ये चीज़ को लेके है रोहित जी, जो आपका मुझे न्यूज़ से जानकारी प्राप्त हुई कि कुलदीप जी अगर बीजेपी में आते, जैसा कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनका रिकमेंड कर रहे हैं कुलदीप जी के लिए, और अगर वो आते हैं तो ये जो हमारे बीजेपी के जो नेता है, नेतागण है, वो सब रिज़ाइन कर देंगे स्टेट लेवल का जो प्राप्त हुई। तो मैं ये यही चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, इसी साल की अगस्त महीना में जब यही बीजेपी के लोग कुछ लोग दिल्ली गए थे कुलदीप जी के लिए रिकमेंड करने के लिए, तब ये बीजेपी के नेता लोग जो आपके साथ बैठक किए हैं वो कहाँ थे उस वक्त? उनका स्टेटमेंट कहाँ था? वो क्या किया ये विषय में? मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, पर ये नाम सभी बीजेपी के लोगों को मालूम है कौन कौन लोग गए थे, किससे मिलने और किस लिए। ठीक है, तो भाई अगर आज एलजी साहब उठा दिए है या एलजी साहब बोल रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, आपका खुद पार्टी के ही अंदर आदमी बैठ के आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है जो आप दूसरे के ऊपर में बोल रहे हो। तीसरी चीज़ आप बताइए रोहित जी, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में कई इश्यूज़ है, जैसा कि काफ़ी चर्चित में थी हमारे टीचर्स की वैकेंसी को लेके, एज लिमिट थी उसकी 30। आप देखिए रोहित जी, पीएचडी जब एक कोई बच्चा करता है वो करने में ही उसको एक नियर अबाउट 3 to 5 years लग जाती है, फिर सीटीवी जो है आपका क्लियर करना है, तो ये नियर अबाउट 30 एज हो ही जाता है। वेरी फ्यू जो होगा जो 30 उम्र के अंदर फर्स्ट ही सिटिंग में क्लियर कर देते होंगे। तो आप जब ये 30 उम्र लाए, इसके ऊपर में कोई प्रोटेस्ट हुआ बीजेपी की तरफ से, कुछ हंगामा हुआ बीजेपी की तरफ से? नहीं हुआ। मतलब कहने का मेरा अर्थ है, अभी हाल ही में देखिए होमगार्ड्स को लेके वो बेचारे लोग दर दर जा रहे हैं, इशू उठा रहे हैं, इस तरह कई डिपार्टमेंट का इशू उठाए। अभी इससे पहले आपका डिब्रेट कॉलेज का स्टूडेंट का आप मामला देखिए, जो बच्चे लोगों के साथ में लाठीचार्ज हुई थी, लाठीचार्ज होने के बाद कई बच्चे मेडिकल में भी एडमिट थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस विषय में वो इशू उठाया? आइलैंडर्स आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए या बेटरमेंट के लिए ये लोग कोई आगे नहीं आते हैं, बस इसको ये नहीं मिलना, इसको वो नहीं मिलना। आप मुझे बताइए रोहित जी, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर सकता है, ये कोई मनाही नहीं है। अगर कुलदीप जी बीजेपी में आते हैं या नहीं भी आते हैं, इनको क्या करना? अगर इनको प्रॉब्लम है रेजिग्नेशन देने का तो दो ना, आप बोल क्यों रहे हैं? आपका तो खुद पार्टी के अंदर के लोग जाके दिल्ली में बोल के आए हैं, तब आपने क्या किया? इस तरह ये जो छोटे छोटे इशू लेके जो ये बीजेपी का नाम से फ्लैश करते हैं ना न्यूज़, ये खुद अपना मजाक बना रहे हैं, बीजेपी का नाम स्पॉइल कर रहे हैं ये चीज़ में। क्योंकि हमारा संविधान में क्लियर कट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कभी भी और किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, जो आपका मैंने न्यूज़ में देखा कि जो बीजेपी ने लगाया कि हम सब रेजिग्नेशन दे देंगे, तो भाई आप, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया में ये हुई अगस्त महीना की बात है, आपका खुद बीजेपी के लोग दिल्ली में जाके बोले हैं कुलदीप जी के लिए रिकमेंड किए, आपने तब क्यों नहीं ये आवाज़ उठाई? आज आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? सर ये बात तो देखिए, काफ़ी लोग इसके बारे में कह रहे थे आप, लेकिन मीडिया के सामने आप जो है खुलकर अभी बोल रहे हैं, तो इसके बाद कहीं आपके ऊपर कुछ दबाव तो नहीं पड़ेगा? देखिए मैंने आपको जैसा कहा, बीजेपी का फाउंडर मेंबर में से अंडमान निकोबार आइलैंड का हम एक है, मैं इतने 90 से लेकर अब अभी तक देख लीजिए, हम ग्राउंड लेवल से ऊपर गए, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि भाई मुझे ये टिकट दे दो, मुझे वो सीट दे दो, हमको ये पद दे दो। हम लोग का एक ही मकसद था, पार्टी के लिए काम करना, उससे ज़्यादा हमारा कोई इच्छा थी नहीं। पर मुझे दुख इस बात का हो रही है, और मैं इसलिए आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि एज अ बीजेपी का फाउंडर मेंबर जब हमें ये दिख रहा है सामने कि बीजेपी का ऐसा दुर्दशा हो रही है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपके पास खुद पता है, आप ही के लोग ऑलरेडी ऐसा जाके बात करके आए दिल्ली में,
आज आप ये बात को उठा के आपके न्यूज़ के चैनल का माध्यम से न्यूज़ दिए में दिए है कि एलजी साहब को हटाओ, कुलदीप साहब का रिकमेंड कर रहा है। अरे ये क्या मतलब हुई? दूसरी ओर आप बोल रहे हो उनका 8 साल हो गया है। अरे तो 8 साल हो गया क्या? 8 साल में आपको दिखाई नहीं दिया अंजुमन निकोबा आइलैंड में क्या डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? तब उस वक्त आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाए? अभी क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? और जो आपके लोग, जो मैं यही फिर से दोहरा रहा हूँ, आपके लोग जो अगस्त महीना में जाके इनके ऊपर में बोले हैं, आप उनके लिए क्या करें? आपका पार्टी के लोग हैं, आपने क्या एक्शन लिया? जो आप एक हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऊपर में बोल रहे हो, आप हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा जी के ऊपर में बोल रहे हो, ये तो हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया का सिद्धांत है, डेमोक्रेसी है कि कोई भी नेता कभी भी या कोई भी कार्यकर्ता कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आप ये हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो? क्यों पार्टी का नाम स्पॉइल कर रहे हो? अगर आपको करना है, अगर प्रोटेस्ट करना है, आप दिल्ली जाइए ना, चुपचाप से उनका ऊपर में जाके बोलिए। ऐसा आपको क्या लगता है कि देखिए जैसा 8 साल तो हो चुके हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, तो और अभी तक काफ़ी लोग उससे जो है नाखुश है क्योंकि इतना डेवलपमेंट सर दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी आप जो है बीजेपी के जो लोग हैं उनके बारे में आप लोग, आपने जो है काफ़ी क्लैरिफिकेशन किया, तो आपको नहीं लगता सर कि इतना साल हो चुका है और कुछ भी डेवलपमेंट जो है दिखाई नहीं दे रहे? देखिए रोहित जी, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहती है उसी का ही रहता है, ठीक है। और जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि है, जैसे कि हमारे अंजुमन निकोबार में, उनका काम बनता है कि एलजी साहब से बोल के या चीफ सेक्रेटरी साहब से बोल के हमारा आइलैंड का डेवलपमेंट काम को रेस करना। अगर वो बोलते हैं और अगर ये नहीं होती है तो उनका फिर काम बनता है कि आप जाके दिल्ली में होम मिनिस्ट्री या नेशनल प्रेसिडेंट, उनसे जाके ये विषय में बात करें, और बीच में हमारा प्रभारी रहता है। प्रभारी का नॉलेज में ये चीज़ लाना पड़ता है और फिर प्रभारी के थ्रू से ये चीज़ को लिफ्ट होता है। पर आप देखिए ना, जैसे ये लोग बोल रहे हो 8 साल, तो 8 साल से आप हर एक सेक्टर का इशू को ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ले लीजिए, ठीक है, ये कुछ भी आपका ज़ीरो में दिख रहा है, आपको नहीं हुआ है। तो आप अगर कांग्रेस से पूछेंगे, अगर आप बोलते हैं कि एमपी तो कांग्रेस पार्टी का है, तो कांग्रेस पार्टी ये बोलेगा सरकार तो आपकी है। मतलब आरोप प्रति आरोप, ये उनको उंगली करता है, ये उंगली उसको करता है, पर किसी के पास में ये नहीं है कि भाई जाके काम को कराए, ये कोई नहीं कर रहा है। तो ये उंगली उठाने वाली जो बात है ना, ये अच्छी नहीं है। आप काम करिए ना, जब आप एक पद में है पॉलिटिकल पार्टी का, आप वो काम करके दिखाइए। या अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप लोगों को बीच में बोलिए, देखिए मैंने इतना लेटर लिखा था मगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुना, बोलिए जैसा आप अभी न्यूज़ में दिए, या फिर आप चुप से जाके दिल्ली में बोलिए कि भाई हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है बात, आप थोड़ा उनको बोलिए ये काम करने के लिए, जो कि हमारा आइलैंड और आइलैंडर्स के लिए बेनिफिट है। मतलब आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि सरकार उनका है और उनके तरफ से ही कोई मतलब सरकार के तरफ कोई तरह का दबाव नहीं बनाया जा रहा है कोई भी चीज़ के लिए कि ये डेवलपमेंट होना चाहिए या ये चीज़ को और बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ कर के राइट? देखिए मैं वो चीज़ नहीं बोला, दबाव की मैं बात नहीं कर रहा। देखिए कभी भी कोई भी इशू को जब आप उठाते हो ना भाई, वो बात को आपको प्लेसमेंट उस तरह रखना पड़ता है सामने पॉइंट वाइज, कि ऐसा होने से ऐसा होगा, ये नहीं हो रहा, ये होने से हमारा आइलैंड का ये बेनिफिट होगा और आइलैंड ऐसा प्रोग्रेस करेगी, ये चीज़ नहीं हो रहा है। आदमी बस ये है हमारा ये काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। आपसे एक सवाल पूछता हूँ रोहित भाई, कांग्रेस की भी सरकार थी, बीजेपी की भी सरकार थी दिल्ली में, उस वक्त हमारा विष्णुपद राय जी बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, ठीक है, कांग्रेस का पीरियड में भी था, बीजेपी का दो टर्म में भी था। अब मुझे बताइए ना, विष्णुपद राय जी को कितना प्राइज मिला पार्लियामेंट में, और आज का दिन में बीजेपी का सरकार में हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस का कुलदीप राय शर्मा जी को रत्न अवार्ड कितना मिला?
अगर ये डिफरेंस रहता कि ये बीजेपी वाला है ये कांग्रेस वाला है तो ये चीज़ नहीं मिलती। मगर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। देखिए जो हवा बन रही है ना, ये हवा जो बना रही है, क्रिएट हो रहा है हमारा आइलैंड में ना, ये यहाँ के लोग बना रहे हैं। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसा आप ही का जो पिछला न्यूज़ का चैनल का माध्यम से पता चला कि बोल रहे हैं कि कुलदीप को बीजेपी में लेके आओ, तो इसका मतलब अगर बीजेपी वाले लोगों को इतना ज़ोर शोर से अभी आपका चैनल में आके बोले हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका कहीं चांस होगा बीजेपी में बनता होगा, तभी ये चीज़ बोल रहे हैं। तो भाई बीजेपी वाला क्यों लेके आए उनको, वो तो कांग्रेस का एमपी है, सिटिंग एमपी है, क्यों लेके आएगा? एक सोचने वाली बात है ना, बीजेपी वाला अपना आदमी को देखेगा, उनको क्यों देखेगा? पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब ना यहाँ में सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप यही है और बाकी चीज़ में कोई ध्यान नहीं देता है। धन्यवाद सर हमें ये क्लैरिफिकेशन देने के लिए और जनता तक ये बात को पहुंचाने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन नतानू के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।